हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पवन नागर और आज हम आपसे बात करेंगे इंटर मस्कुलर स्पेसेज इन स्केपुलर रीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको पता होगा कि टोटल तीन स्पेस होते हैं, अपर ट्रायंगुलर, क्वाड्रेंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। ओके, तो अब हम इनको फीलिंग लाते हैं कि इन्हें कैसे याद किया जाए। तो आपको कुछ नहीं, राइट हैंड के टो के पास की टू फिंगर्स लेनी है और लेफ्ट हैंड की टो के पास की टू फिंगर्स लेनी है और इनको ऐसे सेटअप करना है। ओके, इनको ऐसे सेटअप करने के बाद आपको दिख गया ये इनकी होती है एनाटॉमिकल पोजीशन, ऐसे होती है, ऐसे होते हैं ट्रायंगुलर स्पेसेज। दिस इज अपर ट्रायंगुलर स्पेस, दिस इज क्वाड्रेंगुलर स्पेस, दिस इज लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। ओके, अब इनके बात करते हैं कि इनमें कौन सी फिंगर्स क्या डिनोट कर रही है। ओके, अभी मैं जो फिंगर दिला रहा हूं दिस इज ह्यूमरस बोन, इसके बाद मैं ये फिंगर टच कर रहा हूं इस पे दिस इज टेरिस माइनर, नीचे वाली कौन सी होगी टेरिस मेजर और ये वाली कौन सी होगी दिस इज ये होगी लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। ओके, तो ये होगी जो फिंगर्स क्या चीज डिनोट कर रही है। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी बाउंड्रीज के बारे में, तो बहुत सिंपल है। अपर ट्राइंगुलर स्पेस है, इसकी तीन बाउंड्रीज होगी, अपर या फिर सुपीरियर, इन्फीरियर और लेटरल। सुपीरियर कौन बनाएगा? इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ टेरिस माइनर। इन्फीरियर कौन बनाएगा? सुपीरियर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर। लेटरल कौन बनाएगा? मीडियल बॉर्डर ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। इसके बाद क्वाड्रेंगुलर स्पेस, इसकी चार बाउंड्रीज होगी, सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल और लेटरल। सुपीरियर कौन बनाएगा? इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ टेरिस माइनर। इन्फीरियर कौन बनाएगा? सुपीरियर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर। और इसके बाद इसकी मीडियल कौन बनाएगा? लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई या फिर लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। इसके बाद इसका मीडियल हेड, मीडियल कौन बनाएगा? मीडियल बनाएगा सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। इसके बाद बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर स्पेस की, इसकी होगी सुपीरियर, दिस इज मीडियल एंड दिस इज लेटरल। सुपीरियर कौन बनाएगा? इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर, दिस इज मीडियल। मीडियल कौन बनाएगा? लेटरल बॉर्डर ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। और इसके बाद है दिस इज लेटरल। लेटरल कौन बनाएगा? मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस बोन। ओके, तो ये हो गई इन तीनों स्पेसेज की बाउंड्रीज के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं इनके कंटेंट के बारे में। ओके, कंटेंट तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेंगुलर स्पेस को। आपको पता होगा क्वाड्रेंगुलर स्पेस की लेटरल कौन बनाता है? सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। और आपको पता होगा सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस पे कौन सी नर्व राउंड अप होती है? एक्सिलरी नर्व। उसी तरह से आपको पता होगा कि जो कि ये है लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, इसकी लेटरल बाउंड्री कौन बना रहा है? दिस इज शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, शाफ्ट का मीडियल बॉर्डर, ह्यूमरस की शाफ्ट का मीडियल बॉर्डर। आपको पता होगा शाफ्ट पे कौन सी नर्व राउंड अप होती है? मीडियल नर्व। ओके, तो इनके कंटेंट दोनों को याद करने की सेम ट्रिक है, वह है NAV। सबसे ऊपर नर्व होगी, उसके जस्ट नीचे आर्टरी होगी, उसके जस्ट नीचे वेन होगी, सेम डिड टू लोअर ट्रायंगुलर स्पेस जैसा है। ओके, इसमें भी सबसे लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में क्या होगा? सबसे ऊपर नर्व, फिर आर्टरी, फिर वेन। ओके, तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस की नर्व कौन सी होगी? एक्जिलरी नर्व। उसके बाद इसकी आर्टरी कौन सी होगी? इसकी आर्टरी होगी पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी। आपको बेसिकली पता होगा कि जो मैंने सारी मसल्स के नाम बताई, ये कि पोस्टीरियर वेंट्रल साइड नहीं होती है, सारी की सारी मसल्स पोस्टीरियर साइड होती है। तो ह्यूमरल पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी हमने इसीलिए नाम लिया है, और इसी आर्टरी की वेन, पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल वेन। तो ये हो गया NAV किसके लिए? क्वाड्रेंगुलर स्पेस के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर स्पेस के कंटेंट के बारे में। इसका कंटेंट भी कौन से होते हैं? NAV, एन मतलब नर्व, नर्व कौन सी? रेडियल नर्व। आर्टरी कौन सी? प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। और वेन कौन सी? प्रोफंडा ब्रेकाई वेन। तो इन दोनों के कंटेंट हो गए क्वाड्रेंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर स्पेस के। इसके बाद हम बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर स्पेस के कंटेंट के बारे में। तो इसमें क्या होता है? नर्व नहीं होती है, ओनली फॉर आर्टरी और वेन होती है। तो ट्रिक वही होगी NAV, एन मतलब इसमें नर्व नहीं है तो इनको क्रॉस कर दो, फिर होगी आर्टरी, फिर उसके नीचे होगी वेन। आर्टरी कौन सी होगी? सर्कम्प्लेक्स स्केपुलर आर्टरी और सर्कम्प्लेक्स स्केपुलर वेन। तो ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरमस्कुलर स्पेसेज इन स्केपुलर रीजन, जो कि कहाँ होते हैं? पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट। ओके, तो इसके बाद हमने जो भी बोला उनको हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने जो बोला सही था नहीं था। तो देखिए, हमने पहले ट्रिक बताई थी आपको NAV, जो कि तीनों में चलेगी, और इसमें क्या, इसके लिए क्या खास बात है? इसमें कोई नर्व नहीं है और सब में नर्व है। ओके, तो दिस इज देखिए टेरिस माइनर मसल, दिस इज टेरिस मेजर मसल्स, और दिस इज लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई, दिस इज ह्यूमरस बोन, और दिस इज नर्व कौन सी? एक्सिलरी नर्व, दिस इज पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। ओके, और वेसल्स में आर्टरीज और वेन दोनों आएगी, दिस इज रेडियल रेडियल नर्व, और दिस इज प्रोफंडा ब्रेकाई वेसल्स। ओके, वेसल्स में दोनों जाएगी। ओके, इसके बाद दिस इज अपर ट्रायंगुलर, दिस इज क्वाड्रेंगुलर स्पेस, और दिस इज लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। ओके, इसके बाद इसकी कंटेंट कौन से होंगे? पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी विद वेन्स। ओके, इसके बाद दिस इज टेरिस मेजर हो गई। ओके, इसके बाद देखिए हमने जो इनको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है कि इनको हम फिंगर्स से कैसे समझे, फिंगर्स की सहायता से हम इन्हें कैसे समझे। ओके,
इसके बाद यहाँ पे देखिए इनके, देखिए हमने जो कि बाउंड्रीज बताई थी, अपोजिट बताई थी, अपोजिट बताई थी क्यों, क्योंकि अगर हम अपर ट्राइंगल के अपर की बात करेंगे तो मसल्स का लोअर आएगा, ट्राइंगल के लेटरल की बात करेंगे तो मसल्स का मीडियल आएगा। ओके मतलब अपोजिट है, तीनों में सेम ट्रिक है, अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर और क्वाड्रेंगुलर स्पेस, सारों की बाउंड्रीज अपोजिट बोलनी है। ओके अगर आप लेटरल बोलते हैं तो मीडियल बोलना पड़ेगा, मीडियल का और सुपीरियर का इन्फीरियर बोलना पड़ेगा, इन्फीरियर का सुपीरियर बोलना पड़ेगा। ओके तो ट्राइंगुलर की तीन होगी, इसकी भी तीन होगी और क्वाड्रेंगुलर की चार होगी। ओके तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटर मस्कुलर स्पेसेस के बारे में। ओके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज द जर्सी ऑफ मेडिकल लिटरेचर पर जाकर ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।